प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, हमारे मुख्यमंत्री ने अंत्योदय बेटियों के लिए जो है शिक्षा फ्री की घोषणा करी है, लेकिन हमारे जेपी दलाल जी जो कृषि मंत्री हैं वो जो कुछ महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आजकल विवादित टिप्पणी दोनों दी है, क्या कहें सर? देखिए जेपी दलाल जी का वो तोड़ मोड़ करके ऐसा बनाया जा रहा है। जेपी दलाल जी को मैं जानता हूँ, नशीदा कहा है कि जो महिलाएं कि इनके घर में चलती नहीं है, इनकी महिलाएं बेटियां भागी हुई हैं, कैसा बोला? देखिए ऐसा नहीं है, जेपी दलाल जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और मंत्री भी है, और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इसलिए वीडियो में क्या क्या होता है मुझे भी मालूम है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ जिस तरीके से कृषि मंत्रालय में उन्होंने काम किया है वो काम को देखा जाना चाहिए, और महिलाओं को बारे में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ऐसा भाव रखते हैं ऐसा विश्वास ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस पार्टी का सर्वोपरि नेता नरेंद्र भाई मोदी है, जिसने ऐतिहासिक 33% रिजर्वेशन का बिल लाया है, जो कि इंदिरा गांधी महिला होने के बावजूद नहीं ला पाया था, सोनिया गांधी जी महिला चीफ थी यूपी गवर्नमेंट में नहीं कर पाई थी। तो इसलिए मेरा आपसे विनती है इस तरीके से बात पे विरोधियों का अपप्रचार में मत जाए, और जो जेपी दलाल का काम पे जाए, और महिला के साथ सिर्फ जेपी दलाल नहीं है, जेपी दलाल का बेटा बेटी सब भी महिला के साथ आड़े बैठे रहा करते भाई, बहुत 10-5 ये मैं कभी बोल लूंगा तो कहेंगे उल्टा बोल रहा है, मतलब उनकी घराली कौन माना उनकी, अठेक्का ले रखा था किसानों का, सच्चाई है, मैं जानू सबने, किसी पे 5 मुकदमे किसी पे 3 मुकदमे उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू भाज रही किसी की छोरी भाज रही, तारा ठेका ले रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।